Tog, 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 hatırlıyor tog. Ye utahu, ye deko. Jo hamare düşmane ye deko. Ye fesla hai inşallah. Ye fesla hai. 4 जून का फैसला है ये 4 जून का फैसला ये जो 1 लाख लोग आप देख रहे हैं ये फैसला है इंशाल्लाह यहां से देखिए इनसे अतुलित हो इंशाल्लाह ऑल जेएनके पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑल जेएनके पीपल्स कॉन्फ्रेंस जीत हमारी 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 वाकई साहब अब एक चीज याद रखना इंशाल्लाह प्लीज इंशाल्लाह 20 जून को हम सब जाएंगे इंशाल्लाह जैसे आज हमने रैली का रिकॉर्ड तोड़ा है 20 जून को हम वोटों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह एक नया दौर शुरू होगा प्लीज यार प्लीज बंद करो यार एक नया दौर शुरू होगा बोनो कासर नमन सारी वनांश बज बज कस करा अगर कुछ इंट्रागेशन खमु सुच सयो आज खमुद में उस 99% में हूं जो जेल गए हैं जिनने टॉर्चर खाया है बना सुच तो पप्पू के बुक सुच तो टूरिस्ट के मैंने मशक्कत की है मैंने स्ट्रगल किया है मैं यहां जुदोजहद की वजह से हूं मैं लोगों की वजह से हूं आपकी वजह से हूं मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4 जून को जब रिजल्ट होगा बोनो कासक वारिया बूजस ओमन जमो इस जवाब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ओमन जवाब है 4 जून बाकी कसास वारिया कर में मगर लुकन हुच सहराब मुझे अल्ताफ सब दबा तो मीन योर इश में बोर्ड बोय एक मिनट चुप करके बैठेंगे आप बड़े मौजूद लोग हो एक मिनट चुप करेंगे औजबिल्लाशानजीम बिस्मिल्लामानीम मेरे छोटे भाई और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन साहब मेरे छोटे भाई और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस इमरान रजा अंसारी साहब स्टेज पे बैठे बाकी जो सीनियर कायदीन हैं आप जो पूरे बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं नौजवानों बुजुर्गों बहनों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैं सलाम करता हूं आपके जज्बे को आप अपने लीडर की कॉल पे यहां आए लेकिन मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि 20 मई को इससे 5 गुना तादाद में पोलिंग स्टेशन पे सेब के निशान पे मेरे छोटे भाई के हाथ में वोट दीजिएगा इंशाल्लाह फतह हमारी लिखी हुई है आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं आज बदलाव की लहर है ये सच की लहर है और झूठ की नाकामी है उन लोगों को जो सोचते थे कि जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है आप लोगों का यहां एक ठिठरते मारते हुए समंदर की तरह आना उनको जवाब है मैं आप सबको एक ही पैगाम देता हूं कि हम एक हैं और एक रहेंगे और मिलके अपने सियासी हरीफों का जवाब दे देंगे इंशाल्लाह इन्हीं के साथ
मैं सजाद साहब को एक बार फिर आपको गुजारिश करता हूं कि उनके हक में वोट दीजिए। शुक्रिया, वसलाम। मैंने दोस्तों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन अल बातिल काना ज़हूका। मैं अज़ीज़ो मैं चुन का तकरीर करूं पुछु साहब जोर तकरीर करनी के देवन कहता तो मुझसे क्या बोला तकरीर असमस मैं तो बस क्या कर बो तकरीर तलवार चित्राम से तलवारें बाहर निकल चुकी है। بیاکھ دوست وان کروت مے دبس بہ آمت ونی نیشنل کانفرنس دفن کر رنگ بلگی لاگ نہ بہت میرے دوستو بس پلیز مہربانی بہ پنن لیڈر حضرات شکریہ ادا کران بہ ورمن شکریہ ادا کران تمو دس اسی جائے تاکہ ہکو نیشنل کانفرنس آج وجت یم سرزمین پہ نیشنل کانفرنس دفن ہوک آج نیشنل کانفرنس دفن ہو چکا ہے اکٹھا ہوئے ہیں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کی سیاست میں تبدیلی چاہتے ہیں آج ہم سب اس لیے اکٹھا ہیں کہ ہم یہاں سے ایک نئی امید جموں کشمیر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں بالخصوص نوجوانوں کو ساتھیوں نوجوانوں یہ الیکشن جو ہے بہت ہی ضروری الیکشن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم صرف ایک ایم پی الیکشن کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے یہ الیکشن ہم اس لیے لڑ رہے ہیں اور ایک ساتھ لڑ رہے ہیں تاکہ ہم جموں کشمیر کے نوجوانوں کو یہاں کے لوگوں کو ایک نئی امید دے سکیں آپ خاموش ہو جائیں پلیز ایک نئی امید دے سکیں یہ الیکشن جو ہے آپ جانتے ہیں 2019 کے بعد پہلا بڑا الیکشن ہے اور اس الیکشن میں ہمیں اسی امیدوار کو کامیاب کرنا ہے جو آپ کی بات ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان میں رکھ سکے جو آپ کی بات آپ کی جینوئن پولیٹیکل اسپریشنز یہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ڈگنیٹی اور پیس کی بات اس ایوان میں کر سکیں میری آپ سے گزارش ہے میں چند باتیں کہنا چاہتی ہوں مہربانی کر کے خاموشی سے سنیے میں جانتی ہوں اس وقت کہ آپ لوگ جو ہیں بہت جذباتی ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ ایک دور کشمیر میں تھا ایک دور کشمیر کا یہ بات نہیں سن رہے سن رہے آشب ایک دور کشمیر میں تھا جب کوشش کی تھی مرحوم غنی لون صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ یہاں جمہوری نظام جو ہے پھر سے ابھرے لیکن بدقسمتی سے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل کانفرنس نے ہر وقت جو ہے یہ کوشش کی کہ کوئی یہاں پہ سیاسی طور پہ جو ہے سر اٹھا نہ سکے ہم نیشنل کانفرنس سے میں ایک ووٹر کی حیثیت سے چند سوال کرنا چاہتی ہوں جو آپ کو بھی کرنا چاہیے
मान लिया जो आपने जुल्म सितम कश्मीर के लोगों पे किया है, चलिए हम उसके लिए आपको माफ भी कर सकते हैं। हम आपको पोटा के लिए भी माफ करें, हम आपको एसटीएफ के लिए भी माफ करें, हम आपके इलेक्शन रिगिंग के लिए भी माफ करें, हम आपको जो आपने कब्रिस्तान आबाद के लिए उसके लिए भी माफ करें, जो जेलें नौजवान हमारे जेलों में आपने मर दिए उसके लिए भी माफ करें, आपने कभी जो अलगमेंट नहीं की उसके लिए भी माफ करें। लेकिन हमें एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आपने 2019 में यहां से मैंडेट लिया, जब आपने यहां पे लोगों को यह बता के वोट लिए कि जनाब हम 17 रियासत वापस लाएंगे, जनाब हम प्राइम मिनिस्टर अपना वापस लाएंगे, और क्या आप वो अपना वादा पूरा कर पाए, हाँ या ना का हमें जवाब दीजिए। हम आपसे पुराना हिसाब नहीं मांगते, हम आपसे ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट आपके गए, उसके बावजूद आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं की। लेकिन आपसे हम हिसाब मांगते हैं 2019 का, बिलखसूस 2019 जब आपके सबसे बड़े लीडर हिंदुस्तान के ऐवान में गए। आज दोबारा आप जम्मू कश्मीर के लोगों से 370 और 35A के लिए वोट मांग रहे हैं। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं बहुत ही तमीज के दायरे में रह के आपसे ये सवाल पूछती हूँ, एक वोटर के होने की हैसियत से, क्या इंडिया अलायंस के उन पार्टनर के साथ आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है, क्या उन्होंने आपको गारंटी दी है कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो 370 और 35A वापस करेंगे? हम जानते हैं कि आपकी इतनी सियासी कुव्वत और ताकत नहीं थी पार्लियामेंट में कि आप ये सवाल उठा सकते या 370 और 35A वापस ला सकते।